तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द नाथ द्वार। यहाँ पर है श्रीनाथ जी का मंदिर और नाथ द्वार जी का मंदिर। जो श्रीनाथ जी जो मंदिर है वो कृष्ण जी के इन्फेंट इनकारनेशन माने जाते हैं। इनकारनेशन का मतलब अवतार। और यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता है। यहाँ पर गुजराती बहुत ज़्यादा आते हैं, गुजराती को इतने ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और ये नाथ द्वार जो ये मेवाड़ में है और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। तो कल के वीडियो में मैंने दिखाया कि कुंभलगढ़ दिखाया जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और आज मैं हूँ नाथ द्वार में। आज चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतनी मान्यता है लोगों के बीच इस मंदिर को लेकर, खासकर गुजराती हुआ। और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है जब आप रात में आते हैं। कल मैं नाइट में यहाँ पर था, लेकिन नाइट में ये मंदिर जो है वो क्लोज़ हो गया था, उसके नज़दीक में जाकर ऑफिस से वापस आना पड़ा मुझे। तो यहीं पर एक दिल्ली का धर्मशाला भी है, वहाँ पर आप 50 रुपीज़ में वन नाइट स्टे कर सकते हैं, जहाँ पर मैं स्टे किया था। तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको तो ये रहा मेन गेट नाथ द्वार का। लेकिन जब आप यहाँ पर आप थोड़े से बसंत मौसम में जब आते हैं ना, यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगा। अभी मॉर्निंग में क्या होता है, सब दर्शन करके चले गए यहाँ से, है ना गली। कौन सा ये सामने? अच्छा, एक में जेंट्स एक में लेडीज जाते हैं, तीसरा वाला गेट बाहर आने के लिए। अच्छा, इधर से लाइन से चलते हैं, इधर से जाना पड़ेगा। तो गेट का जो खुलने का जो समय अभी सुबह तो होता है और 11:15 बजे, तो मैं तब तक बाहर का आपको एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है। गेट में ज़्यादातर आपको यहाँ पर ये गुजराती खाना ज़्यादा आपको मिलेगा, नाश्ता वगैरह। इसे बोलते हैं पोहा, ये तो हम जानते हैं, और उसे बोलते हैं ढोकला, और इसे बोलते हैं फाफड़ा। चलो मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लगता है। तो ये मैंने भी लिया है, अब देखते हैं कैसा, टेस्ट करके देखता हूँ। तो ढोकला में पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा गुजराती नाश्ता मॉर्निंग का। तो फाफड़ा, फाफड़ा इसे बोलते हैं ये ना। तो यहाँ पर तो वाकई में यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना बहुत ही ज़्यादा है। एक तो मतलब पहाड़ और ऊपर से नाथ द्वार। नाथ द्वार में इतनी ज़्यादा लोगों के बीच इतनी मान्यता है, लोग इतने मतलब दौड़े भागे यहाँ आते इस नाथ द्वार के लिए। मैंने ऐसी भीड़ बस एक ही जगह देखा, तो वो था बरसाना। वहाँ पर भी बहुत कृष्ण जी के बहुत बड़े फैंस, वहाँ बहुत ज़्यादा फैंस आए हुए थे, बड़े बड़े फैंस आए हुए थे कृष्ण जी के, जो कृष्ण जी को लीला को मानते हैं। अभी मैं आपको अंदर ले जाऊँगा, लेकिन 11:15 पे वो गेट ओपन होगा, क्योंकि हर एक समय होता है, मतलब सुबह में भी वो ओपन होता है, फिर उसके बाद 11:15 बजे, फिर उसके बाद फिर अलग टाइमिंग रहती है इनकी। तो नाथ द्वार में आपको यहाँ पर ऐसा कुंड, राधा कुंड भी मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पर आप वोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नाथ द्वार में। शिव जी का 351 फीट का स्टैचू बना है, जो अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन एक पहाड़ी थोड़ा सा रास्ता है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ वहाँ जाकर कि कैसा दिख रहा है वो। ओ यार,
तो ये है इसकी जल लगभग हाइट है 351 है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरे बाउंड्री से भी घेरा गया है। अभी अंदर जाने के लिए अलाव बिल्कुल भी नहीं, अभी बन रहा है और जब बनेगा ना तो यहाँ भी काफी ज्यादा भीड़ होगा। क्या करते हैं, ऐसा मैंने बीकानेर में भी देखा था कि जिनके पास क्रॉप्स होते हैं, मतलब कि जिनका फार्मिंग लैंड होते हैं, तो वहाँ से वो हरे पत्ते लेके आते हैं और यहाँ टूरिस्ट को 10-20 में बेचते हैं और फिर इन सब गायों को यहाँ पर दिया जाता है खाने के लिए। तो वाओ, इट्स जस्ट कॉल्ड अ वाओ। तो मैं अंदर गया था, अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन मोबाइल बैग चप्पल स्लीपर वगैरह ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन कभी अगर आप इन फ्यूचर में आते हैं तो आप जरूर यहाँ पर घूमिए, बहुत ही सुंदर है अंदर। श्रीनाथ जी के यहाँ का जो मेवाड़ में पड़ता है उसका नाइट व्यू, कहते हैं ना जिस तरीके से एक लड़की शादी के दिन जितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, उसी तरीके से जो मार्केट होता है ना, जो भगवान के आसपास का जो मार्केट होता है ना, उतना ही ज़्यादा रात में सुंदर होता है। तो अब यहाँ से मेरे चलने का समय हो चुका है, मैं दर्शन कर चुका हूँ।